हाई गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ हाउ टू अप्लाई लेंस प्रॉपरली एंड रिमूव किस तरह से करेंगे ये भी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में सो so, वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो का एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो होने वाली है तो सबसे पहले आपने अपने हैंड को क्लीन कर लेना है किसी भी लेंस को अप्लाई करने से पहले आपको अपने हैंड को अच्छी तरीके से वॉश करना है क्लीन करना है क्योंकि इंडिया में हम जो खाना खाते हैं वह तो हाथों से खाते हैं और तो उसका मसाला स्पाइसी वाला हमारे है है, हैंड्स में लग जाता है नेल्स में चला जाता है और जब हम अप्लाई करते हैं लेंस तो वो हमारी आंखों को जलन देता है और लेंस हम अप्लाई नहीं कर पाते सो so, सबसे पहले आपने यही करना है कि अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लेना है एंड उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कौन सा लेंस यूज कर रही है हम लेंस में डालते हैं वाटर और इसके बाद मेरे पास है ये दो लेंस एक है ग्रे और एक है ये आ, हेजल ब्राउन सो ये दोनों मैंने यूज कर लिए हैं पहले से इसलिए मैंने डिब्बी में डाल के रखे सिक्योर करके कौन सी मैंने परचेस किए थे ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पे एंड यहाँ uh, पे मैं ग्रे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी लेंस सो so, सबसे पहले मैंने इस तरह से सिक्योर करके रखा है बॉटल में ये हेजल ब्राउन है एंड ग्रे वाला मेरे पास है ये वाला सो so, ये वाला मैं इसमें मैंने डायल्यूट डाल के रखा था जब भी आप सिक्योर करके रखेंगे गैस so, तो उसमें डायल्यूट डालकर तब आप कंटेनर को टाइट बंद करके रख सकते हो और काफी दिन तक सिक्योर करके आप इसे यूज कर सकते हो सबसे पहले आपने अपनी फिंगर में लेंस को ले लेना है एंड उसके बाद लेंस को आपने अपने पंप में रखना है एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है डायलुड इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है ताकि जो भी हमने पहले से अप्लाई किया हो आइस पे वो सब इसमें से क्लीन हो जाए और ये बिल्कुल भी हमारे आइस पे जलन ना दे और हमें लगे ना ज्यादा तो इसे अच्छे तरीके से इस तरह से हम क्लीन कर लेंगे यू कैन सी डाइल्यूट डाल के अच्छे तरीके से हमें क्लीन करना है फिंगर की हेल्प से इस तरह से आप लेंस में फिंगर रख के उसे अच्छे से वाटर में क्लीन करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसे अपने आईज पे अप्लाई करेंगे अप्लाई करने का भी तरीका बहुत ही सिंपली है गाइस कोई भी ज्यादा वो नहीं होता क्योंकि मैं एक साल से यूज कर रही हूँ तो मुझे अच्छे से अप्लाई करना आता है बट तो जो जो नए यूज करते हैं वो उनसे नहीं हो पाता है आपने अपने फिंगर पे इस तरह से रखना है एंड देन उसके बाद आपने अपनी आईज को थोड़ा सा पुल करना है एंड जो लेंस है उसे अप्लाई कर देना है देन उसके बाद आपने अपने आइज को नीचे लाना है और वो आइस पे सेट हो जाएगा यू कैन सी कितनी इजी तरीके से सेट हो गया अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो आपको जलन भी हो सकती है और आपके आंसू भी आ सकते आंसू आना तो बिल्कुल नेचुरल है सभी के आते हैं यू कैन सी कितनी आराम से ये अप्लाई हो गया सो so, मैं भी इसे रिमूव करके आपको दिखाऊंगी क्यूँकी मुझे कोई भी वीडियो शूट नहीं करना है ना ही मुझे कहीं अप्लाई करके जाना है इसलिए मैं इसे तुरंत ही आपको रिमूव करके भी दिखा रही हूँ यू कैन सी इसने कितनी अच्छे तरीके से कितना प्यारा लग रहा है ना इसमें कैसा लग रहा है गाइस कमेंट करके जरूर बताना मुझे एंड यू कैन सी मैंने रिमूव कर दिया बस आपने अपने आइज को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल करना है एंड uh, लेंस पकड़ लेंस को रिमूव कर लेना है गाइस बहुत ही सिंपल है अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो प्लीज अपने नेल्स को कट कर लेना है. मेरे नेल्स मीडियम है इसलिए मैंने और मैं यूज भी करती रहती हूँ तो मुझे मालूम है इस तरह से रिमूव करके अपने कंटेनर में रख लेना है आप चाहे तो इसमें थोड़ा और डायलूट डाल सकते हो ताकि ये लंबे समय तक सिक्योर रहे सेफ रहे सो so, इस तरह से आप इसमें थोड़ा और डायल्यूट मिला के से टाइट कंटेनर को एकदम टाइट तरीके से बंद करके रख देना है इस तरह से आप इसे मंथली डिस्पोजल में यूज करते हो कर सकते हो मंथ से भी ज्यादा यूज कर सकते हो एक दो बार यू कैन सी ये वाले लेंस कितने इजी तरीके से आप वेयर कर सकते हो वीडियो यूजफुल रही हो तो गाइस प्लीज इसे शेयर करना एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेना जिससे मेरी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी अब मैं चलती हूँ आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ लव यू ऑल बाय